हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनी की रेसिपी। तो आज मैंने बनाई है हरी प्याज, वो भी बेसन के साथ। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लिए कढ़ाई गैस ऑन करेंगे। अब यहाँ मैंने लिया है 1 कप बेसन, ये लगभग घर में जो खाने वाली चम्मच होती है उस मेज़रमेंट से ये 8 चम्मच है। तो हम इसे हल्का सा भून लेंगे 2-3 मिनट तक, मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए। कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा भूनना है। बेसन हमारा भून गया है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें से खुशबू आने लगी है। भून गया है तो गैस बंद कर देंगे और इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे हम। तो हमने इसे निकाल लिया है, हम इसमें डालेंगे 1 चमचा ऑयल। गैस ऑन करेंगे, तेल को गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे जीरा, राई, इसमें डालेंगे हम 2 चुटकी हींग, और इसमें डाल देंगे हम 5 से 6 लहसुन बारीक कटा हुआ, हल्का गोल्डन कलर कर लेंगे हम इसका। साथ ही हम डाल देंगे एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो हमारा लहसुन हल्का गोल्डन कलर का हो गया है तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1 गड्डी हरी प्याज दी थी जिसे मैंने धो के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया, तो हम इसमें डाल देंगे। एक 2 मिनट अच्छे से इसे भून लेंगे। 2 मिनट के लिए इसे भून लिया, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अच्छे से सारी चीज़ को मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए फिर से प्याज को मसाले के साथ भून लेंगे हम। तो प्याज को हमने 2-3 मिनट तक भून लिया है और ये हल्की से सॉफ्ट हो गई है। हम इसमें डालेंगे भुना हुआ बेसन जो हमने अभी भुना था। बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, हल्का सा मैं आमचूर पाउडर डालूंगी 1/4 चम्मच। अच्छे मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए फिर से कवर करके रख देंगे इसे। हो गया है, ये हमारी सब्जी बनके तैयार। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो हमारी सब्जी है तैयार। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।